नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका संबंध प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट लिटरेसी से है। प्रश्न एक पूछता है हमारे इस कार्यक्रम का शीर्षक, साक्षर क्यों, साक्षरता के मायने क्या हैं, उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। ये आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। हर साल वो एक किताब छापता है जिसमें उन देशों के नाम दिए जाते हैं, सभी देशों के नाम दिए जाते हैं जहां पर जीवन का स्तर बहुत ऊंचा हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्वश्रेष्ठ है। 2001 में 19 देश, पहले 19 देश जो इस लिस्ट में हैं, उन सभी में 99% लिटरेसी, उन 19 देशों में जो पहले 19 देश हैं जहां पर माना जाता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे बेहतरीन है। भारत में साक्षरता 56.5% और हमारी पोजीशन इस लिस्ट में 115वीं है। अनुमान ये लगाया गया है कि अगर साक्षरता भारत में 90% तक पहुंच जाए तो हमारी पोजीशन पहले 50 देशों में पहुंच जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए। यह है महत्व साक्षरता का। इस कार्यक्रम में इसीलिए आज हमने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जिन्होंने शायद स्कूल या कॉलेज में फॉर्मल एजुकेशन ना हासिल की हो, उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं, लेकिन परिस्थितियों पर विजय पाकर उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया है, साक्षरता खुद उन्होंने अपनी मुट्ठी में ली है और आपकी मुलाकात इन लोगों से हम अभी करवाते हैं। सबसे पहले मिलिएगा आप हमारी पहली टीम से और इस टीम का नाम है गंगा। मेरा नाम गीता है, मैं विकासपुरी से आई हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर गीता जी, और आप क्या करती हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ वहाँ पे, नॉन फॉर्मल तरीके से। बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके, और आपके साथ आपके सहयोगी कौन है? मेरा नाम धर्मवीर है, रेवाड़ी से आया हूँ। और क्या करते हैं आप धर्मवीर जी? मैं खेतीबाड़ी करता हूँ। खेतीबाड़ी करते हैं। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अगर स्कूल कॉलेज में जाते तो शायद कुछ और करते? यस सर, कभी बार लगता है। लेकिन आपने अपनी परिस्थितियों को पराजित किया है और आज आप हमारे साथ बैठे हैं। हम हमारी दूसरी टीम है जमुना, और अब आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं जमुना टीम के दोनों सदस्यों से, वो खुद अपना परिचय आपको देंगे। बताइए। सर, मेरा नाम धर्मपाल है, मैं हरियाणा बावल से आया हूँ। और आप क्या करते हैं धर्मपाल जी? खेतीबाड़ी करते हैं। पढ़ाई की है आपने स्कूल या कॉलेज में? हाँ सर, आठवीं पास की है। आठवीं तक, और उसके बाद आपको छोड़नी पड़ी। कभी कभी ऐसा लगता है कि BA MA किया होता तो शायद अच्छा रहता, ऐसा लगता है आपको? लगता है। बहुत खूब, और आपके साथ कौन है? सर, मेरा नाम कुलदीप है, मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ। और आप क्या करते हैं कुलदीप जी? मैं सर मजदूरी करता हूँ। इस समय तो आप टीवी के स्टूडियो में बैठे हैं, बड़ी खुशी हुई मिलकर। हमारे एक विशेष मेहमान यहाँ पर और मौजूद हैं, इनका नाम है श्री अमोद कांत जी। और अमोद साहब जो हैं पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन इन्होंने एक प्रयास चलाया है जिसका नाम है प्रयास, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, उन बच्चों के लिए जो सड़कों में घूमते रहते हैं, उनके लिए इन्होंने घर दिया है, उन्हें शिक्षा देने की कोशिश की है ताकि वही बच्चे आगे चलकर भारत का नाम रोशन कर सके। अमोद, शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आप लोग तैयार हैं, मैं भी तैयार हूं, और आपसे हम पूछेंगे हमारा पहला प्रश्न जो होगा टीम गंगा के लिए। और अगर टीम गंगा तैयार है, हम लोग सब तैयार हैं हमारे पहले प्रश्न के लिए। हम आपको चार चॉइसेस भी देंगे, आप आपस में बातचीत करिएगा। हमारा पहला प्रश्न, और वही आपके मॉनिटर पे आएगा, आप लोग बाकी जो यहां हमारे विशेष मेहमान में मौजूद हैं, आप इस मॉनिटर पर, इस स्क्रीन पर उस प्रश्न को देख सकते हैं। विवाह के लिए लड़के की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, यह रहा हमारा पहला प्रश्न। 21 साल, 18 साल, 23 साल, 16 साल। 21 या 23? 21। सोच लिया आपने? आपने कहा 21 साल, बिल्कुल सही था आपके जनाब। और जमुना बारी आपकी है, यह रहा आपके लिए आपका प्रश्न। विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 22 मई, 14 अप्रैल या 8 सितंबर को मनाया जाता है? और आपको हमें यह बताना है। 8 सितंबर। 8 सितंबर। आपने तो कह दिया 8 सितंबर, और वो क्या बोले?
अब आप देख रहे हैं कि दोनों ने सही सही कहा है और दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं। गंगा, बारी आपकी है। भारत की, हमारे इस महान विशाल देश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? अब ध्यान से देखिएगा, यह है मक्का मस्जिद हैदराबाद या फिर हजरतबल श्रीनगर, जामा मस्जिद दिल्ली या फिर जामा मस्जिद अहमदाबाद। जामा मस्जिद दिल्ली। आप लोग क्या सोचते हैं कि सही है या गलत है? जो लोग हमारे विशेष मेहमान यहां पर मौजूद है, बताइए आपका क्या विचार है? सही है। अब देखिए, आपने कहा सही है और वो बोले 20 नंबर आपके हैं। और अब बारी है जमुना की। जमुना, आप लोग तैयार हैं? आपका अगला प्रश्न, केरल इनमें से किस कारण सबसे आगे है? नारियल उत्पादन, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय या जनसंख्या? साक्षरता। सही है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। अमोद को शायद मालूम है और उन्हें मालूम है, और अगर सही है तो आप मालूम है, और अगर सही है तो आप सुनेंगे ढन 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 ऐसे। अब देखिए, आपके भी हो गए हैं 20, गंगा के भी हैं 20। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, और ये हमारा प्रश्न है हमारी विशेष टीम गंगा के लिए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन सी? विटामिन सी आपने हमें बताया। आपने कहा विटामिन सी और वो बोले ये तो गलत हो गया। आप लोग सब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपकी बारी है। जो हमारे विशेष मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, आप में से कोई जानते हैं कि ये बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? एक भाईजान ने हाथ तो उठाया है। विटामिन डी की कमी से रतौंधी। विटामिन डी की कमी से होती है। आपने कहा विटामिन डी की कमी से होती है और उन्होंने कहा ये भी गलत हो गया। अब अमोद साहब आप ही बता दीजिए कौन सी विटामिन की कमी से होती है। सही जवाब इसका है कि ये विटामिन ए की कमी से होती है। जमुना आपकी बारी है। नमक का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? गुजरात सर। आपने फरमाया कि गुजरात है। अमोद भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक कह रहे हैं ये, ठीक कह रहे हैं। अमोद साहब ने भी आपको कह दिया ये ठीक है। इन्होंने कहा गुजरात। बहुत खूब, आपका स्कोर जमुना बढ़ के 30 हो चुका है, गंगा का केवल 20 है। और अब हमारा अगला प्रश्न, तैयार है गंगा आप लोग? हम आपको एक धुन सुनाने जा रहे हैं, फिल्मी धुन, बड़े ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके बोल हमें बताइएगा, उस धुन को पहचानने की कोशिश करिएगा। सुनिएगा उस धुन को, 1 2 3। आप में से कौन बताना चाहता है? ये तो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। अच्छी बात है, ये जो सामने भाईजान बैठे हैं, जरा माइक्रोफोन इनको दीजिएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। बारी अब आपकी है दोस्तों। आप लोग फिल्में नहीं देखते ना गंगा? नहीं देखते, कोई बात नहीं। अब जमुना की बारी है, जमुना से देखते हैं कि अगर ये लोग फिल्में देखते हैं, आप भी एक धुन सुनिएगा और इसे पहचानने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग तैयार हैं, 1 2 3। पास आओ तो चैन आ जाए। क्या बात है? आपने कहा कि अगर आप पास आ जाए तो चैन आ जाए, क्या ये सही है? बहुत खूब, जमुना का स्कोर तो बढ़ के अब 40 हो चुका है, गंगा के केवल 20 अंक हैं। इस समय एक एक सवाल हम और पूछते हैं और उसके बाद फिर हम अमोद साहब से थोड़ी देर के लिए वार्तालाप करेंगे। हमारे पास तोहफे भी हैं, इनाम भी हैं उन दोनों टीमों के लिए और आप सबके लिए जो हमें सही जवाब देंगे हमारे सवालों का, हमारे प्रश्नों का सही उत्तर जो देंगे। ये हमारा अगला प्रश्न और ये है हमारी टीम गंगा के लिए। ये बताइए, भारतीय 500 रुपए के नोट पर किस महान व्यक्ति, किस महान नेता की तस्वीर होती है? और
आपकी जो चॉइसेस हैं वो देख लीजिएगा। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण और इनमें से कोई नहीं। मेरी बात मानिए तो कह दीजिए इनमें से कोई नहीं, सबसे सुरक्षित वही महात्मा गांधी। देखिएगा आपका है महात्मा गांधी। बहुत खूब। अब देखिए ये अगला जो हमारा प्रश्न है ये टीम जमुना के लिए है, और अगर आप लोग तैयार हैं, ये रहा हमारा प्रश्न। बैंक की चेक बुक किस लिए होती है? पैसा जमा करने के लिए, शेष रकम जानने के लिए, पैसा निकलवाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? पैसा निकलवाने के लिए आपने कहा और वो बोले, ये बिल्कुल सही था आपके जनाब। और आपके जमुना के नंबर तो हो गए 50, गंगा के केवल 30। और अब थोड़ी देर के बाद हम फिर से इनसे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन फिलहाल बातचीत करना चाहते हैं अपने विशेष मेहमान से। बच्चों के लिए ये जो आप प्रयास कर रहे हैं और जिसका नाम आपने प्रयास रखा है, इसकी प्रेरणा शुरू में आपको कहां से आई और कैसे आई? नहीं था तो इत्तफाक ही है, बाहज इत्तफाक था कि 1988 में कोई बहुत बड़ी आग लगी। जहांगीरपुरी का इलाका है, स्लम का इलाका है, यहाँ पे 3.5 लाख की वहाँ आबादी है। उस आग में मैं भी गया एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहाँ करीब 5,000 मकान जल गए थे, सड़क पे बच्चे आ गए थे बेतहाशा। तो बस यूं ही दिमाग बात आई कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो हमने एक उनके लिए कार्यक्रम शुरू किया। शुरू शुरू में बस बातचीत का सिलसिला था, हर हफ्ते एक बार जाना होता था। लेकिन उसके तुरंत बाद ऐसा लगा कि ये तमाम बच्चे अनपढ़ हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, साक्षरता जिसकी बात हम कर रहे हैं वही समस्या वहाँ भी थी। लिहाजा हमने एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा का एक सेंटर वहाँ खोला जहांगीरपुरी में, और 25 बच्चों के साथ, और धीरे धीरे बढ़ता गया। और आज करीब करीब 3,000 बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, खाना देते हैं, कपड़े जूते मकान सब कुछ जो उनकी ज़रूरतें पूरे जीवन की पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत इत्तफाकी था, लेकिन आज इत्तफाक नहीं है। ये आपके तजुर्बे में पुलिस ऑफिसर की हैसियत से जब कई बार आप उन लोगों से मिलते हैं या उन लोगों से आपका पाला पड़ता है जो कानून तोड़ते हैं, आम तौर से आपने क्या देखा है कि जो छोटी मोटी क्राइम्स होती हैं उसमें साक्षर व्यक्ति ज्यादा होते हैं या वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते, या ये कहना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। मेरा बहुत खासा तजुर्बा है इस मामले में, क्योंकि 26-27 साल से पुलिस की नौकरी की और मैंने देखा है इनको, और 13 वर्षों से प्रयास के माध्यम से ऐसे लोगों के संपर्क में रहा है जो बहुत गरीब हैं और निरक्षर भी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अधिकतर निरक्षर रहे हैं या कम शिक्षा उनकी होती है। जो छोटे अपराध होते हैं जो कि एक सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जनित होती है, ऐसे अपराध में अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोग शामिल गलती से हो जाते हैं या अनायास हो जाते हैं जिनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो भयंकर अपराध होते हैं, जो प्री मेडिटेटेड क्राइम्स होते हैं जिसमें कि सोच के समझ के अपराध किया जाता है, ऐसे अपराध मैंने देखा है कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या जो लोग ज़्यादा एक ढंग से समृद्ध हैं उनका हाथ ज़्यादा होता है। तो सच पूछिए तो अपराध करने की ऐसी बात नहीं कि अपराध सिर्फ बस्तियों में पलता है या अपराध ऐसी जगह पर होता है जहाँ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, गरीब होते हैं। अपराध ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा भयंकर कर सकते हैं, मैं मानता हूँ ऐसा। साक्षर क्यों, आप इसका क्या जवाब देंगे? नहीं, साक्षरता तो रोशनी है, अंधकार है इसके अलावा सब कुछ। जब तक कि कोई व्यक्ति साक्षर ना हो, जब तक कि कोई व्यक्ति ये ना समझे कि वो दुनिया क्या है, उसमें क्या कुछ हो रहा है, तब तक उसके जीवन का आधार ही नहीं बनता है। तो साक्षरता के माध्यम से वो तमाम दरवाजे खुलते हैं जिससे कि समृद्धि होती है, लोग बेहतर होते हैं, दुनिया को जान पाते हैं, उनमें कुछ करने की क्षमता बनती है, चाहे वो करने की क्षमता आर्थिक दृष्टिकोण से हो, नैतिक दृष्टिकोण से हो, विकास के लिए हो। बिना साक्षरता से सब कुछ नहीं हो जाता है, नकार हो जाता है। और क्या आप इस बात का यकीन करते हैं कि एक वो दिन ऐसा भी आएगा जब भारत में भी साक्षरता 100% तक पहुंच जाएगी? मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतवर्ष में साक्षरता पूरी होगी। ये सही है लेकिन कि आज के दिन, जहां आज की स्थिति, चूंकि बच्चों पर मैं काम करता हूं, उनको देखता हूं, पूरे देश में अभी 10 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, यानी हर 10वां भारतीय एक ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अभिशाप है। तो आज की स्थिति बहुत विकट है, बहुत बुरी है, लेकिन हम निराशावादी नहीं हैं, मतलब मैं नहीं हूँ और आप भी नहीं, हम सभी नहीं हैं।
तो ये हमारा पूरा विश्वास है कि 10 करोड़ बच्चे तो भारतवर्ष में स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल जाएंगे कल। कोशिश हर किसी को करना पड़ेगा साथ मिलकर। अगला हमारा प्रश्न आप लोगों के लिए, अशोक चक्र में बताइए हमें कितनी लाइनें होती हैं? 12, 18, 24 या फिर 26? बताइए टीम गंगा। मेरी बात मानिए तो 24 कहे। 24 बात मान ली आपने मेरी? इन्होंने कहा 24। 40 अंक अब है गंगा के, 50 अंक है जमुना के। और हमारा अगला प्रश्न, एक लोटस टेम्पल किस शहर में है? नागपुर में है, दिल्ली में है, पटना में है या लखनऊ में है? और ये प्रश्न है जमुना के लिए। आप मेरी बात मानिए तो दिल्ली कह दीजिएगा। चलो सर अब आपकी मान लेते हैं दिल्ली में। चलिए आपकी मान लेते हैं दिल्ली में। इन्होंने कहा दिल्ली और आप क्या बोले? ये भी सही है। देखा अमोद, अब सारे लोग मुझ पर विश्वास करने लग गए। बताइए गंगा अगला क्लू तैयार है, हमारा प्रश्न आपके लिए, उड़ीसा की राजधानी का क्या नाम है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई या भुवनेश्वर? भुवनेश्वर। इन्होंने कहा भुवनेश्वर और आप बोले। 50 अंक हो चुके हैं गंगा के और यमुना टीम के, समय है 60 अंक। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? और ये टीम यमुना के लिए है, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया या तमिल? अब मेरी बात मानिए तो तेलुगु में, बाकी आपके अपने पास। फिर मत कहिएगा कि मैंने सच नहीं कहा। तेलुगु। बहुत खूब, मेरी बात मान ली ना आपने, मिलाइए हाथ इसी बात पे। अब जो इनाम मिलेगा आधा आधा, यकीन है? बहुत खूब, इन्होंने कहा तेलुगु और आप बोले। अब तो मुझे कुछ आधा आधा मानना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने। देखिए जैसा अमोद खान साहब ने आपसे कहा था कि मेरी बात पर विश्वास मत करिएगा। अब ये बारी है आप लोगों की और देखते हैं आप में से किन्होंने हाथ ऊपर किया है अभी तक, जिन्होंने कुछ नहीं कहा। ये जो भाई जान बिल्कुल कोने में बैठे हैं, बहुत उदास लग रहे हैं, जरा माइक्रोफोन इनको दीजिएगा। बड़े भाई जरा मुस्कुराइएगा, या खुशी का मौका है। बताइए अपना नाम। रिंकू शर्मा। शर्मा साहब, शर्मा साहब क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं और टीवी के शो में भाग भी ले रहे हैं। और बताइए तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? सर तमिल। तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में? इन्होंने कहा कि तमिल है। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग अपने विशेष मेहमानों से यहाँ पूछना चाहते हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम भी पूरी तरह से वो प्रश्न पूछने के लिए आपसे तैयार हैं। कौन बताएगा हमारे को, कौन जवाब देगा इस पहले प्रश्न का? भारत का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, उस शहर का नाम है लेह और ये जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। हमें ये बताइए कि कौन सी नदी पर बसा हुआ है शहर लेह? उस नदी का नाम है गंगा, जमुना, सिंधु या सरस्वती? सचिन जी बताइए। सिंधु। आपने कहा सिंधु और वो बोले। और आपके लिए हमारे पास एक इनाम बिल्कुल तैयार है। अगला हमारा प्रश्न, क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है, बहुत जल्दी ये प्रश्न है हमारी टीम गंगा के लिए, भारत के कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर विजय बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमोद और वो बोले। आपका स्कोर बढ़ के अब 60 हो गया है, गंगा का भी 60 है। अब देखना है कि जीतता कौन है। जमुना, आपका आखिरी प्रश्न है, बड़े ध्यान से आप इसे सुनिएगा। इंद्रधनुष के सभी रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? संतरी, नीला, काला या सफेद? संतरी सर। इन्होंने कहा संतरी और आप बोले। चलिए ये आपसे प्रश्न पूछते हैं,
ये बताइए कि कौन सा रंग है, अगर सभी रंग इंद्रधनुष के मिला दिए जाएं, नीला, काला या सफेद? अब आप जरा जल्दी से हमें बताइए। मेरा नाम कविता है। कविता है? नीला। नीला, आपने कहा नीला, कविता जी ने कहा नीला, और उन्होंने क्या कहा? देखिए उन्होंने भी कहा कि ये भी सही नहीं है। अब हम आप सबसे पूछते हैं कि सभी रंग मिला दिए जाए तो कौन सा रंग बनता है, और आप सब ने मिलके कहा सफेद। तो दोस्तों जब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि स्कोर इस समय है 60 गंगा का, 60 जमुना का, तो अब मैं आपको मौका देता हूं डबल जैकपॉट खेलने का। मौका यह है कि मेरे सामने एक घड़ा रखा है, इस घड़े के अंदर कुछ प्रश्न है, मैं इनमें से एक प्रश्न निकालूंगा। पहला प्रश्न हम पूछेंगे गंगा से, अगर गंगा ने सही जवाब दे दिया तो उनका स्कोर बढ़ के 120 हो जाएगा, और अगर इन्होंने सही जवाब नहीं दिया तो इनका स्कोर 60 ही रहेगा, और उसके बाद जमुना को भी यह मौका मिलेगा। आप लोग तैयार हैं? तो मैं जैकपॉट की तरफ जा रहा हूं, जरा इसको खोलते हैं ताकि आपका स्कोर हो जाए डबल। और ये रहा हमारा प्रश्न। क्या बात है, ये आपके लिए है गंगा, लेकिन ये आप स्क्रीन पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है जो कोई नहीं जानता, सिर्फ मुझे मालूम है और जैकपॉट को मालूम है। भारत की सबसे पुरानी भाषा, जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें से सबसे पुरानी कौन सी मानी जाती है, तमिल, गुजराती या मराठी? गंगा ये आपके लिए है, बहुत जल्दी इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। गुजराती। गुजराती, और उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने कहा, आपने गलत कह दिया। अब केवल दो आपके पास बचे हैं, तमिल और मराठी। कौन जवाब देना चाहता है इसका? मराठी। मराठी आपने कहा, और आप लोग क्या बोले? आपने कहा ये भी गलत। सही जवाब उसका फिर सब बता दीजिए है तमिल। अब मौका है यमुना के पास जीतने का, आखिरी मौका। मैं एक बार फिर जैकपॉट खोलने जा रहा हूं, और आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से इसके बीच में से प्रश्न निकालता हूं हाथ में। ओहो, अगर आप लोग तैयार हैं तो ये रहा। क्या बात है, हमें यह बताइए रोशनी सूर्य की धरती तक पहुंचने में कितना समय लगाती है? 2 साल, 1 महीना या 8 मिनट? 8 मिनट। 8 मिनट। आप लोगों का क्या विचार है, इतनी जल्दी पहुंच सकती है? अच्छा, आपने कहा 8 मिनट और वो बोले, आपको कैसे मालूम था जमुना जी 8 मिनट है केवल? जी मैंने पढ़ा था। आपने पढ़ा था, देखिए साक्षरता का फायदा कितना होता है, इन्होंने पढ़ा था। एक बार फिर जमुना टीम के लिए। दोस्तों अब फाइनल स्कोर तो हमारा 60-60 था, लेकिन डबल जैकपॉट के कारण दुगना स्कोर हो गया है हमारी टीम जमुना का। गंगा का केवल 60 रहा, इनका हुआ 120। एक ही संदेश आपको देना चाहते हैं कि दुनिया में तलवार नहीं, एटम बॉम्ब नहीं, टैंक नहीं, सबसे बड़ा हथियार एक देश के पास अपने विकास के लिए है शिक्षा। शिक्षा, साक्षरता।